यस, चलिए एक और नई स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। नाम है वैष्णवी शर्मा, जिनकी ऑल इंडिया 220 रैंक है और इनको एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है। और ये मध्य प्रदेश ग्वालियर से हैं। और सबसे खास बात यह है कि वैष्णवी ने फाइनल ईयर के साथ ही एमसीए क्रैक किया है और इसने भोपाल क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया था। ग्वालियर भोपाल से ज्यादा दूर नहीं है और ऑटोनोमस कॉलेज होने की वजह से काफी इसको ट्रेवल भी करना पड़ा, पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था वैष्णवी का, काफी सिंसियरली पढ़ाई की। तो वैष्णवी, सबसे पहले तो आपको इस प्यारी सी रैंक के लिए और एनआईटी इलाहाबाद के लिए बधाई। थैंक यू सो मच सर। अब मैं देखिए क्या होता है, आप सब बच्चे जो ये सेशन देख रहे हैं, मैं हर बच्चे के सेशन हमेशा डालता हूं और वो इसका एक ही पर्पज होता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाए। तो वैष्णवी, आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही 11th 12th से लेके ग्रेजुएशन तक, और आपने क्योंकि फाइनल ईयर के साथ ये निकाला रैंक और बीच में अप डाउन भी किए, मतलब महीने में एक एक बार जाना आना, तो वो सारा मैनेजमेंट और अपनी सक्सेस स्टोरी में चाहूंगा आप डिटेल में बताएं। जो बच्चे कई बार फाइनल ईयर के वजह से रुकते हैं या जो एक्शन लेने से डरते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? ओके सर। सर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना चाहूंगी सर। जैसे मतलब कि 10th क्लास जब मैंने क्लियर ही किया था, तो सर हर बच्चे का होता है 10th क्लास के बाद कि मुझे इस फील्ड में जाना है या फिर क्या बनना है आगे। मतलब कुछ हद तक तो क्लियर होता ही है स्टूडेंट्स का कि क्या करना है। तो सर मेरा बहुत क्लियर था, मैंने मतलब ये सोच रखा था स्टार्टिंग से कि मुझे रिसर्च में जाना है। तो सर रिसर्च के लिए उस टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन मतलब कि बीटेक ही लगता था सबको, कि और होता भी है बीटेक, क्योंकि बीटेक वालों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है रिसर्च में, नो डाउट। तो सर मैंने भी सोचा कि चलो बीटेक किया जाए। तो बीटेक के लिए भी सर सबको पता है कि आईआईटी जेई मेंस की तैयारी होती है, तो भाई लगा कि चलो जेई मेंस की तैयारी करते हैं। तो बीटेक में करेंगे, जेई मेंस किसी अच्छे कॉलेज से हो गया तो मतलब कि सही भी रहेगा और उस डिग्री की वैल्यू भी रहेगी। लेकिन सर मैं मतलब कि अपना हमेशा से सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड चलाती आई हूँ। तो सर मैंने उस टाइम पे सर बीटेक में भी ये था जेई मेंस में कि पहले मतलब कि आपका 12th का परसेंटेज बहुत मायने रखता था। मतलब कि 12th के परसेंटेज के 50% मार्क्स देते थे वो, और जेई में जो रैंक आती थी उसके 50% मार्क्स से पूरा एक टोटल बनता था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं क्यों ना 11th 12th पे ही फोकस करूँ, अपने अच्छे परसेंटेज बना लूँ, उसके बाद ड्रॉप लेके तैयारी करूंगी जेई मेन्स की। तो किया भी वही सर 11th 12th में, मतलब कि अच्छे से मेहनत की, परसेंटेज बनाए 12th क्लास में काफी अच्छे परसेंटेज बनाए। लेकिन सर उस टाइम पे जेई का मतलब कि एक रूल चेंज हुआ कि उसमें 12th के परसेंटेज जो थे वो हटा दिए गए। मतलब कि ऐसा जो वेटेज 50-50 का वेटेज था वो हटा दिया गया, बजाय उनके उन्होंने ये कर दिया कि जो बच्चे 75% से ऊपर लेंगे वो सब जेई मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मेरा तो पहले से भी था कि मुझे ड्रॉप लेके करना है, तो ऐसा मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा कि चलो कर लेते हैं, अब ड्रॉप लेके तैयारी करते हैं जेई मेंस की। सर तैयारी की जेई मेंस की पूरी एक साल, मतलब कि काफी अच्छे से तैयारी की। लेकिन फिर सर अनफॉर्चुनेटली पेपर दिया तो उसमें नहीं हुआ, या शायद एग्जाम टेम्परामेंट की वजह से नहीं हुआ। तैयारी तो थी पर शायद एग्जाम टेम्परामेंट होता है ना, तो वो मतलब कि वहां जाके बिल्कुल सब ब्लैंक हो गया, नहीं हो पाया। और मतलब कि उसमें रैंक जो थी मेरी वो लाखों में थी, 3.5 लाख के पार रैंक थी। तो उसे देख के तो और मतलब दिमाग खराब हो गया कि अब तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। जब यहाँ पर ये हाल हो गया तो अब फिर आगे पता नहीं क्या करूंगी, काफी डिमोटिवेट हो गई। उस टाइम पे सर पेरेंट्स ने काफी समझाया कि अरे कुछ नहीं, कोई दूसरी फील्ड है वो देख लो। मतलब कि मेनली सब लोग यही जानते कि या तो बीटेक कर लो या फिर सिविल सर्विसेज में आगे बढ़ जाओ, बीटेक में नहीं होता तो सब सिविल सर्विसेज में आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने मतलब कि ठीक है देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिर सर 1-2 महीने तो मतलब कि उसी में जेई मेंस की यादों में थोड़ा चला गया। उसके बाद से सर फिर मैंने मतलब कि एक सर्चिंग की आदत थी मुझे कि मतलब कि कुछ ना कुछ सर्च करते रहना। तो फिर सर उस टाइम पे जेई मेंस तो चला ही गया था, प्लस BSc CS में मैंने एडमिशन ले लिया था KRG कॉलेज ग्वालियर का, मतलब अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो उसमें मैंने एडमिशन ले लिया कि BSc CS कुछ ना कुछ तो करना ही था आगे, तो ये कर लेते हैं। फिर सर सर्च कर ही रही थी एक दिन, तो फिर सर एक KVPY नाम से एग्जाम होता है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, IISc बैंगलोर उससे मिलता है। उसमें मतलब कि या तो आप 11th 12th में दे सकते हो या फिर BSc फर्स्ट ईयर में अपने दे सकते हो। तो मुझे लगा कि अभी ठीक है BSc फर्स्ट ईयर में मैं हूँ और रिसर्च के लिए ये भी सही है, तो कर लेते हैं तैयारी। प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए 10 या 15 दिन ही हुए थे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। उसका एलिजिबिलिटी फॉर्म क्राइटेरिया मैंने देखा, मैं एक बार देख तो लेती हूँ BSc लिखा है पूरा क्या लिखा है वो देख लेती हूँ। तो उसमें देखा तो BSc केमिस्ट्री वाले एलिजिबल थे, CS वाले एलिजिबल नहीं थे। तो फिर काफी डिमोटिवेट हुआ कि यार ये भी हाथ से चला गया, बीटेक तो पहले से ही गया और ये भी चला गया। तो फिर सब कुछ छोड़ के फिर सर मैंने थोड़ा मतलब कि BSc पढ़ना स्टार्ट किया कि चलो अब मतलब कि ये सब तो जा चुका है, कुछ तो पढ़े, तो BSc का पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर सर मतलब कि BS एक सेकेंड सर
बीएससी का पढ़ना स्टार्ट ही किया था। उसके बाद सर फिर मतलब कि जैसे मैंने बताया कि सर्चिंग की आदत थी, तो फिर मतलब कि सेकेंड ईयर सितंबर या अक्टूबर के टाइम पे सर मैं मतलब कुछ सर्च ही कर रही थी कि डिफरेंस बिटवीन एमफिल एंड पीएचडी इस टाइप से कुछ सर्च ही कर रही थी। तो उसमें सर आपका इंटरव्यू आ गया, इन्फॉर्मेशन अबाउट एआईएमसीए। तो मैंने कहा यार ये क्या होता है, देख लेते हैं क्या होता है एआईएमसीए क्या होता है। तो सर उस पर वीडियो पर क्लिक किया तो सर आपने पूरा निमसेट के बारे में बताया हुआ था कि एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, मतलब कि ऐसे, और उससे एनआईटीज मिलती हैं। तो फिर मेरे को लगा कि यार सही है, एनआईटी मिल रही है, मतलब कि किसी कोर्स है तो सही ही होगा वो। फिर एमसीए के बारे में भी काफी रिसर्च किया तो एमसीए में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर एमसीए से देखा कि एमसीए में रिसर्च में कोई ऑप्शन है क्या, मतलब कि रिसर्च में जाने का, दोबारा से मतलब कि सब सही लगने लगा कि हाँ अब तो शायद कोई एक ऑप्शन मिल गया है। फिर देखा तो एमसीए से भी मतलब कि काफी थे ऑप्शन रिसर्च में, एक दो ऑप्शन थे, मेन इसरो के लिए नहीं थे पर हाँ डीआरडीओ और एआई के लिए तो थे। बिल्कुल मैंने कि ठीक है, और एमसीए में इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगा था कि चीजें देख रहे थे कि हाँ चलो नेटवर्किंग वगैरह सब कंप्यूटर का ही है तो कर लूंगी मैं। फिर मतलब कि फिर घर पे बोला तो घर पे मतलब कि पहले सर कोई रेडी नहीं हुआ, तो मतलब कि फिर बताया उनको कि एनआईटी से होता है एमसीए। मतलब कि पहले सबको यही लगा था कि प्राइवेट कॉलेज से होता है, क्योंकि सर मैंने आपका वीडियो देखने के बाद अपने कॉलेज में भी सीनियर से बात की लेकिन किसी को नहीं पता था कि एनआईटी से एमसीए होता है। सब मतलब कि ये कह रहे थे यहाँ के जो लोकल कॉलेजेस थे मतलब कि उन्हीं को सबसे ज्यादा बड़ा माना जाता है एमआईटीएस वगैरह, तो बता रहे थे एमआईटीएस से कर लो इससे भी सही है ये वो, लेकिन वो सब घर वाले नहीं मान रहे थे क्योंकि उनका ये था कि या तो तुम एनआईटी आईआईटी से करो या फिर सिविल सर्विसेज में आ जाओ, क्योंकि यही दो माने जाते हैं। फिर मैंने पापा को बताया, आपका वीडियो पूरा दिखाया पापा को कि ऐसे एनआईटी से एमसीए होता है, तो फिर उन्हें भी ठीक लगा। फिर सर फिर से मतलब कि सर्चिंग की आदत थी तो फिर भी सर फिर भी नहीं माने, फिर भी सर सर्च किया और देखा कि बेस्ट कोचिंग कौन सी है निमसेट के लिए। तो मतलब कि उस पर सर एक इंदौर की कोचिंग थी वहां का निकल के आया। तो फिर वहां पे दिसंबर में मैं बात करने गई अपने मतलब कि ग्रैंड मैटरनल अंकल नाना जी को लेके गई मैं साथ में। तो वहां पे मतलब कि उनके टर्म्स एंड कंडीशन काफी ज्यादा थे, जो मतलब कि घर पे आके पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने टोटली मना कर दिया, नहीं ऐसे नहीं जाना है, वहां पे नहीं जाना है, छोड़ो तुम कहीं और का देखो। फिर सर फिर आप ही थे दूसरा ऑप्शन। वो सर होता है ना कि बैटर की वजह से अपन बेस्ट को छोड़ते हैं, तो मैं शायद वही करने वाली थी। फिर सर मैंने इम्पिटस में बात की तो आपसे भी बात हुई, तो आपने कहा कि आ जाओ। तो फिर सर मैं मतलब कि अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम देने के बाद 27 जून को आ गई थी। मैंने मतलब कि 2019 27 जून को इम्पिटस ज्वाइन कर लिया था, लेकिन सर मतलब कि ज्वाइन किए हुए 1 महीना ही हुआ था कि मतलब कि मैं पढ़ रही थी वहां पे अच्छे से, केवल 1 महीना ही पढ़ पाई। उसके बाद सर मुझे बार बार डेली अप डाउन करना, मतलब कि हर महीने में ऐसा होता था कि अगर 22 डेज अगर मैं भोपाल हूँ तो 7 to 8 days मुझे ग्वालियर आना पड़ रहा था, या तो मतलब कि कॉलेज की वजह से आना पड़ रहा था, या फिर सर मेरे संग हेल्थ इश्यूज भी काफी थे। मतलब कि मेरी तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं रहती, जो नॉर्मल लोगों की रहती है वैसी नहीं रहती, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता मेरे साथ, तो उस वजह से भी मुझे आना पड़ रहा था 7 to 8 days। तो सर ऐसा चला मतलब सितंबर तक तो ऐसे ही चला कि जुलाई में 20 डेज रहे, फिर 10 डेज चले गए, फिर अगस्त में रहे 20 डेज, फिर 10 डेज यहाँ पे आ गए, ऐसा सर सितंबर तक चला। केवल सर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर मंथ ऐसे थे जिसमें मैंने बिल्कुल लग के पढ़ाई की, एकदम मतलब कि प्रॉपर सेशन लिए 12-12 घंटे के। सेशन के बाद भी सर मैं मतलब की कोशिश करती कि रूम पे जो हॉस्टल में एक आध घंटा और पढ़ लूँ, क्योंकि मुझे पता था कि जनवरी में एग्जाम भी आ जाएंगे कॉलेज एग्जाम, और तबियत भी ठीक नहीं रहती, तो क्या पता आगे यहाँ से कंटिन्यू कर भी पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, कहीं घर ही ना जाना पड़े। तो उस 3 महीने बहुत लग के पढ़ाई की। उसके बाद सर जनवरी में सर सीसी थे मेरे, तो मैं आ गई थी दोबारा से, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह हुए, तो वही जनवरी फरवरी मार्च भी यही सब चलता रहा। मार्च में सर फाइनल एग्जाम थे 17 मार्च को, तो मैं 15 मार्च को आ गई थी, और शायद 18 मार्च से तो ट्रेनें भी बंद हो गई थी, लेकिन सर मैं आ जरूर गई थी। लेकिन मेरी जितनी भी बुक्स वगैरह थी सब वही थी, क्योंकि मेरा था कि एग्जाम के बीच में काफी 10 to 15 days का मुझे जो टाइम मिल रहा है उसमें मैं आऊंगी और फिर वहीं से तैयारी करूंगी, क्योंकि घर पे इतना नहीं हो पाता है, तो मैं ट्रेवल कर लूंगी, वैसे भी कर ही रही थी पूरे साल से, तो सोचा कि अब भी कर ही लूंगी। लेकिन सर मतलब कि सब लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया, तो बुक्स भी वहीं रह गई और मैं यहाँ पे रह गई, मतलब सब मतलब और एग्जाम भी नहीं हुए, तो अब तो लग रहा था कि कुछ है ही नहीं करने को। लेकिन फिर सर 1 महीने तक आपकी वीडियोस मतलब कि जो इम्पिटस का ऐप तो स्टार्ट हो ही गया था लाइव, तो सर उससे पढ़ाई स्टार्ट की, 1 महीने तक उससे पढ़ती रही। अप्रैल मिड में सर हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ गए कि मतलब कि बिल्कुल बेड रेस्ट ही करना पड़ा। अप्रैल मिड से अगस्त मिड तक बिल्कुल मतलब कि किताबें बिल्कुल रख दी, ना कुछ किताबों की तरफ देखा ना पढ़ा, कुछ भी नहीं किया, केवल मतलब कि बेड रेस्ट किया, डॉक्टर ने बोल दिया कि बेड रेस्ट कराओ बस, ज्यादा नहीं पढ़ना है,
और पढ़ भी लेती थी किसी दिन 2 या 3 घंटे, तो उसके बाद 3-4 दिन लेट ही रहती थी, ऐसी कंडीशन हो गई थी। उसके बाद से सर मतलब कि अगस्त स्टार्टिंग ही थी, अगस्त स्टार्टिंग में लेटे लेटे बस यही माइंड में आया कि यार मतलब कि ऐसे तो सब खराब हो जाएगा, अपन कब तक लेट सकते हैं, ज्यादा लेट भी नहीं सकते, तो पढ़ना तो पड़ेगा। और फिर सर मतलब कि ये सब पूरी जर्नी मतलब कि मैंने माइंड में सोची कि इतनी मेहनत की है मतलब कि ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था। तो फिर सर मतलब कि 1-2 घंटे डेली के पढ़ने स्टार्ट किए, कैसे भी किए स्टार्ट किए, या तो लेटे लेटे पढ़ रही थी या फिर उठ के पढ़ रही थी, मैं पढ़ रही थी 1-2 घंटे। उसके बाद सर 16 या 17 अगस्त को DHU की डेट भी आ गई थी, तो फिर थोड़ा मतलब कि लगा कि अब BHU की डेट भी आ गई, अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब कैसे भी पढ़ो पढ़ो। लेकिन सर BHU का एग्जाम ऐसी दे आई मतलब कि, तो उसमें कोई ज्यादा अच्छी रैंक भी नहीं आई, पूरा मतलब कि एग्जाम खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया। लेकिन फिर सर मतलब कि थोड़ा हेल्थ इशूज भी थोड़े ठीक होने लगे, मतलब कि थोड़ा कवर हो रहा था और सब कुछ दोबारा से रीओपन भी हो रहा था। तो उस टाइम पर सर मतलब कि जब NIMCET से 40 या 45 डेज रह गए थे, NIMCET की डेट नहीं आई थी, उससे पहले सर मेरी बुक्स आ गई थी भोपाल से, और सर मैं थोड़ी बहुत ठीक भी हो गई थी कि हाँ मतलब कि सिटिंग लग रही थी 7-8 आवर्स की, पहले जैसी तो नहीं पर हाँ 3-4 आवर्स की तो लग रही थी, मैं कर भी रही थी इतना। तो सर वो किया, उसके बाद सर मतलब कि फिर डेट भी आ गई NIMCET की, तो अब तो करना ही पड़ेगा। फिर सर उसमें क्या किया मैंने, उस मतलब कि 40 डेज में, लास्ट 40 डेज जो मेन होते हैं उसमें सर मैंने जो 3-4 मंथ्स की जो पुरानी जो मतलब कि जो अपने टेस्ट हुए थे इम्पिटस के, वो सारे टेस्ट देने की कोशिश की कि कम से कम मतलब कि टेस्ट के माने क्या होता है सर, रिवीजन ज्यादा जल्दी होता है। सही बात है, मतलब कि जो चीजें माइंड में होती है, और आपने भी कहा था कि स्विच करके क्वेश्चन करो, ये नहीं कि सारा दिन बैठ के कोऑर्डिनेट लगा रहे हैं, स्विच करो अपने माइंड को जितना भी कर सकते हो। सर मैंने भी वही किया कि मैं केवल सुबह 2 घंटे उठ के फॉर्मुला रिवाइज करती थी अपने, या फिर आपकी वीडियोस देख लेती थी, सबसे बेस्ट वही होता था कि सर की वीडियो देख लो, उसमें सर सारी चीजें हल कवर करा देते हैं, जल्दी भी होता है वो, खुद से ज्यादा जल्दी सर की वीडियोस होता है। तो सर मैंने वही आपकी 3-4 वीडियो देखती थी, या फिर खुद के जो नोट्स थे वो आ गए थे भोपाल से, वो पढ़ती थी और फटाफट रिवाइज करके पूरा दिन, मतलब कि दिन में मैं 6 से 6-7 टेस्ट में दे रही थी डेली के, क्योंकि जो रह गए थे वो भी और प्लस जो साथ में होते थे वो भी, फिर उनका एनालिसिस करती थी। तो मतलब कि फिर से मतलब कि सब कुछ वैसे ही करने की कोशिश की, 12-15 आवर फिर से देना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि अगर पेरेंट्स देख लेते तो वो तो डांटते ही थे कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम मतलब कि इतना लगी हुई हो, लेकिन फिर भी उनको भी समझाया कि ये लास्ट चांस है, मैं अपने माइंड में सोच के बैठी थी कि ये लास्ट है, इसको नहीं जाने देना है, इसमें मैं अपना 100% दूंगी, यानी कि जो हो रहा है देखते हैं, अभी तो पढ़ने दो। तो सर ऐसा सब कुछ मतलब कि किया और बस एग्जाम दिया NIMCET का और ऑल इंडिया रैंक 220 आ गई। बिल्कुल सही है वैष्णवी, जैसे मैं अभी आपकी पूरी स्टोरी बहुत ध्यान से सुनी, तो जो बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, IIT की पढ़ाई इसने की, बाई चांस नहीं हुआ, पर उसमें 2 फैक्टर थे। एक तो कई बार हम लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया और थोड़ा लेट सोचा, कई बच्चे 9th-10th में सोचते हैं, वो समय रहते हुए कई बार निकाल लेते हैं, पर सोचिए कि ये चाहती तो IIT के बाद जब नहीं हुआ था, 3 लाख रैंक थी, तो BE करने के लिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकती थी, पर इसने नहीं लिया। पहला एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे अच्छा लगा कि कंप्रोमाइज नहीं किया, अच्छे कॉलेज से ही करने का कुछ था, फिर BSc करने के साथ आगे मन में इच्छा थी कि ISRO में जाना है, DRDO में जाना है, और वो सर्च किया और सर्च में समझ में आया क्या है। अभी वैष्णवी आप देखना, एक बच्चे का और मैंने डाला था साहिल का इंटरव्यू भी, वो भी ISRO या DRDO में जाना चाहता था, और उसको भी वही लग रहा था MSc करके जाऊं, पर बाद में समझ में आया कि MSc के बाद ऑप्शन कम है, MCA के बाद ऑप्शन ज्यादा है। इनफैक्ट आपका जो सपना है रिसर्च में जाने का, वो MCA के थ्रू बहुत आसानी से पूरा हो सकता है, और बहुत अच्छे से पूरा हो सकता है। तो आपने देखा कि पहले तो इस बच्ची ने वो कंप्रोमाइज नहीं किया, फिर इसने भोपाल ज्वाइन किया, भोपाल से ग्वालियर, मुझे पता है हर महीने के 10 दिन के लिए लगभग जाती थी, हेल्थ इश्यू के बाद भी कंटिन्यू जितना हो सकता था पढ़ाई की, मई जून में बीमारी के बाद भी पढ़ाई की, और आखिरी के 40 महीने बहुत स्मार्ट स्टडी की आपने, और वो स्मार्ट स्टडी कहीं ना कहीं काम आ गई। वही अगर आप सोचते कि अब 40 दिन बच्चे अब क्या होगा, कई बच्चे होता ना अब जैसे समय कम है अब मेरा कुछ नहीं होगा, और एक बच्चा सोचता अब समय कम है जितना कुछ हो सकता कर दें, आपने वही किया और उसी वजह से आपको सफलता मिली। और इतनी प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम थी, फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझ सकते हो, ये इसके साथ बहुत रही, फिर भी इसने अपने आप को नहीं छोड़ा, और आज आपके सामने देखिए एक रिजल्ट है NIT इलाहाबाद में जाने का। दूसरा, आपने वो जो सपना 11th-12th में IIT के समय सोचा था, वो भी एक लूप लाइन हो गई कि थ्रू NIT, मतलब कई लोगों को पता नहीं है, और ये बिल्कुल सच बात बोला आपने कि MCA और NIMCET के बारे में सही में लोगों को कम पता है, वो तो ये यूट्यूब पे जब से 3 साल से सेशन डालने स्टार्ट किया मैंने, उसके बाद काफी कुछ अवेयरनेस आई, फिर भी अभी भी कई लोगों को नहीं पता है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो वैष्णवी आपकी स्टोरी काफी ऐसी है जो कई बच्चों को ऑब्वियसली सुन के ही मोटिवेट करेगी।
अभी भी अब आपको बहुत ध्यान रखना है अपना, अभी एनआईटी से एमसीए करने के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और जीवन में आगे भी बढ़ना है। और एक चीज और बोलूंगा कि जैसे आपने जो चीज फेस की है, कोई भी ऐसा बच्चा जो मिसगाइडेड है या जो कंफ्यूज है, मैं कहूंगा उसको आप हमेशा गाइड करो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा वैष्णवी, मैं चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, आपने क्योंकि बहुत अप डाउन भी किया सब किया, तो आपका क्या मैसेज होगा और आपका इम्पिटस का एक्सपीरियंस तो अलग रहा ही है। सर जूनियर्स के लिए मैसेज बस इतना ही है कि कभी हार मत मानो, बस लगे रहो। अगर आप मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, अभी नहीं तो कितने टाइम बाद भी आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, बस आप लगे रहो, खुद का साथ कभी मत छोड़ो, बस यही है सर। बहुत अच्छी बात बोली कि कभी भी हिम्मत मत हारो, और जो इंसान हिम्मत नहीं आता उसको आज नहीं तो कल सफलता मिलती ही है, और इसके ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल इम्पिटस में मैंने देखे हैं और आप देख रहे हैं, तो इन सभी सेशंस को ऐसे ही देखते रहिए। वैष्णवी एक बार फिर से आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और साथ में ही विश करूंगा कि अब आप आगे जाके एनआईटी में भी ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करो और जीवन में बहुत आगे बढ़ो और हेल्दी रहो और खुश रहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।